जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। क्या देख के हंस रहा है तू? मेरा मतलब हलवा देख के हंस रहा था, और क्या देखूंगा? ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं। जी के प्लीज रिलैक्स। आपको पता है रात का क्या वक्त हो रहा है? आपका ये सुरीला गाना सुन के पड़ोसी अपनी बालकनी से कूद जाएंगे। अरे तू सोच क्या रहा है ये तो बता। मैं सोच रहा था कि अनुपमा बिल्कुल माँ जैसी है, माँ की तरह सबको साथ में लेकर चलने वाली, घर को जोड़कर रहने वाली। एज मैन हमारी सोसाइटी में एक औरत के लिए डिवोर्स लेना कितना मुश्किल है, और डिवोर्स के बाद उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसी घर में रहना। अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स इन लॉ के लिए दम लगता है, जिगर होना चाहिए। ऐसा जिगर सिर्फ एक औरत का ही हो सकता है। मगर फिर भी मुझे अनुपमा से सिर्फ और सिर्फ एक ही गिला है, एक ही शिकायत है उससे। शी हैज नेवर रियलाइज्ड हर पोटेंशियल। उसे अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं। अनुपमा अब कॉलेज की डरी सहमी अनुपमा नहीं है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग एंड एन इंडिपेंडेंट वुमेन नाउ। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसे अब भी अपनी ट्रू पोटेंशियल का कोई रियलाइजेशन है ही नहीं। ये सब कराने के लिए तू है ना? जी के उसे इस सब के लिए मेरी कोई जरूरत नहीं है। I don't know, हम मर्दों की ऐसी कंडीशनिंग क्यों होती है कि हमें हमेशा लगता है कि एक औरत को, एक लड़की को कभी ना कभी हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी। बट यू नो व्हाट द रियलिटी इज, एक औरत को आगे बढ़ने के लिए किसी मर्द का सहारा नहीं चाहिए होता है, उसे चाहिए होता है सिर्फ एक मौका, दैट्स इट। और अनुपमा ने यहां पहुंचने के लिए आज तक किसी मर्द का सहारा नहीं लिया है, और आगे भी उसे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मदद की तो नहीं, पर साथ की जरूरत तो सबको होती है ना। मिस्टर गोपीचंद करोड़िया, लेट मी टेल यू वन थिंग, यू जस्ट हैव वन ट्रैक माइंड, बस। आई लाइक द ट्रैक मैन। गुड नाइट। जब लड़का ही स्टूपिड है तो जी के क्या करेंगे, जब लड़का स्टूपिड है तो जी के क्या करेंगे। समर बेटा तू ठीक है ना? अनुपमा तुम्हारी समर से बात हुई? हाँ, कल रात को उससे बात की थी, समझाया था, अब जो करना है उसे ही करना है। वी वी, मैंने देविका से एके का नंबर ले लिया है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो एंड देन आई विल कॉल हिम, और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो बस तुरंत ही निकल पड़ेंगे। एंड वी, वे फॉर्मल्स ओके, हम इतने बड़े आदमी से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो वी शुड लुक प्रेजेंटेबल। और अनुपमा तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, हमारे साथ चलना। हाँ, वैसे तुम एके की फ्रेंड हो तो कुछ भी पहनोगी, डजंट मैटर। और मैंने एके के लिए प्रेजेंटेशन भी रेडी कर ली है। वी, मीटिंग के लिए आप लोग जाइए, मुझे जरा काम है। हाँ ओके ओके, तुम बताओ। नो नो नो, नॉट ओके अनुपमा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आई नो तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें वहाँ की बातें समझ भी नहीं आने वाली, आई नो दैट, लेकिन तुम एके की दोस्त हो और हमारे और एके की बीच की कड़ी तुम ही हो। एक बार हमारे और एके की दोस्ती हो जाएगी ना, फिर हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी अनुपमा, मगर आज हमें तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज कम। अरे जब अनुपमा की वहाँ जरूरत नहीं है तो उसे क्यों फोर्स कर रही हो तुम? वील मैनेज ना। अनुपमा का वहाँ कोई काम नहीं है, मगर भी हमें इसकी जरूरत है। एंड यू रिमेम्बर एके ने क्या कहा था कि तुम और अनुपमा साथ में आना मीटिंग के लिए? मुझे नहीं जाना। फाइन, मत आओ। आई एम कॉलिंग एके, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। Thank you.
परफ्यूम लगाते हैं उसे नहाते नहीं है बरकुदार। मैं साइट पे गया था, आई वॉज स्वेटिंग, इसीलिए छुपाना भी नहीं है। प्लीज जी के जताना भी। स्टॉप इट जी के। हेलो सर, मिस्टर शाहिन। या अरे डिब्बा यहाँ क्या कर रहा है? लौटाना है जी के। आपको पता है ना कि औरतों के लिए उनके बर्तन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। एक चम्मच भी इधर से उधर गया तो उनकी जान अटक जाती है, बिल्कुल माँ की तरह। खाली डिब्बा नहीं लौटाते, और कुछ नहीं तो प्यार ही भर दे पगले। This is too much. मेरा मतलब है कि प्यार से कुछ भर दे पगले। भर दिया है। And now, good. Sip it. घर से अब तक पांचवी बार टचअप कर रही हो तुम। वी, आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई लुक गुड। हाँ हाँ, आज तो तुम्हारा अच्छा लगना और भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे एक ही को जो इम्प्रेस करना है। सर, आप लोग आ सकते हैं। ओह, ओके। काव्या, प्लीज अंदर कोई स्टुपिडिटी मत करना और उसे एके मत बुलाना प्लीज। दिस इज हिज ऑफिस, सो प्लीज कॉल हिम मिस्टर कपाड़िया। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उस पर चेप हो रही हो जबरदस्ती। या फाइन, अब चले भी। ओके। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपाड़िया। गुड मॉर्निंग मिसेस शाह। अगर आप यहाँ हैं तो फिर यहाँ कौन है? हाय गाइस। मिस्टर कपाड़िया, आई मस्ट से यू आर वेरी कूल, वरना कौन बिठाता है अपनी चेयर पर डोमेस्टिक हेल्प को? मिसेस शाह, आप ऊंचा सुनती हैं शायद। नहीं तो? तो लास्ट टाइम जब मैंने गोपी काका का इंट्रोडक्शन दिया था, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इट सीम्स। मैं री इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ये गोपी काका है, माय फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, माय डैड, माय मॉम, मेरे सब कुछ। आशीर्वाद नहीं लेंगे आप? नमस्ते गोपी जी, आई एम वेरी सॉरी। सुखी रहो बेटा। आई होप आपको अब याद रहेगा कि मेरे लिए गोपी काका कौन है, क्योंकि जिन लोगों को गोपी काका याद नहीं रहते वो लोग मुझे याद नहीं रहते। अनुज, अनुज आओ, हैव अ सीट। आइए आइए बैठिए प्लीज। सॉरी मिस्टर कपाड़िया, इट्स ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। श्योर। Yes. मैं अंदर आ सकती हूँ? अनुपमा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मुझे आने में देर हो गई। जो ऑटो लिया था ना वो खराब हो गया रास्ते में, और फिर दूसरा ऑटो मिल नहीं रहा था, तो मैं ढूंढती रही, फिर चल चल के आई। It's all right. Come in. Thank you. जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
I'm really sorry, guys. I need to take this one, please. Excuse me. Sure. साथ में आने में शान घट रही थी, जो अलग से आई हो। चांद की तरह घटने और बढ़ने वाली शान आपकी है, मेरी नहीं। मुझे तो बापूजी और किंचन ने जिद करके भेजा, इसलिए मैं आई। मम्मी, पापा और काव्या अनुज कपाड़िया को आइडियाज पिच करने गए हैं, तो आपको भी वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी बेटा? तू भी वही गलती कर रही है जो बाकी दुनिया करती आ रही है, खुद को अंडर एस्टिमेट करने की गलती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ बापूजी, वो मिस्टर शाह और काव्या को बिजनेस की समझ है, मुझे तुझे जिंदगी की समझ है। लोग समझ आते हैं बिजनेस में, लोग हिसाब कर सकते हैं हर कोई, पर सपने बहुत कम लोग देख सकते हैं। तेरे पास आइडियाज है बेटा, और तेरे आइडियाज, तेरे सपने किसी से कम नहीं है। तूने कितनी बार हमें आइडियाज दिए हैं, ये डांस एकेडमी के साथ कैफे खोलने का आइडिया तेरा ही था। तो जहाँ सपनों की बातें हो रही है, आइडियाज की बातें हो रही है, वहाँ तो आपको मम्मी होना ही चाहिए। मैं, मुझे ये सब प्रेजेंटेशन, ये सब जरा भी समझ में नहीं आता बाबूजी। मैं क्या करूं? मम्मी, मिठाई की कीमत ज्यादा होती है डिब्बे की। मिठाई की? तो फिर मिठाई की तैयारी कीजिए, डिब्बा मैं बना दूंगी। इसका मतलब ये है कि तू सिर्फ आइडिया बता, वो छोटा सा प्रेजेंटेशन ये कर देगी। तू वहां जाके बस तेरे मन में जो है वो बता दे। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ। नो अनुपमा, यू स्टे, शी विल स्टे। Sorry guys, this was important. No problem. हमें आपका वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना भी? May I come in, sir? Thank you. Sir, ये आपका hot chocolate milk. अनुपमा को वहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? अरे उसके पास बहुत अच्छे आइडियाज है, इसलिए भेजा है। मेरा बेटा गया है ना वहाँ, वो अकेले सब संभाल सकता है। तुझे खुद को भी पता नहीं है ना कि तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा का दोस्त है। मंदराज का अफेयर बर्दाश्त कर लिया था, अनुपमा की दोस्ती बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक सलाह दूं, मोबाइल का नए वाला मॉडल जैसे ले लेते हैं ना, वैसे सोच का भी हर साल नया मॉडल ले लेना चाहिए, वरना दुनिया आगे निकल जाएगी और हम पीछे के पीछे रह जाएंगे। शुरू करें? हाँ, यस श्योर। तो ये प्रेजेंटेशन मैंने कल रात को ही तैयार किया है और इस पर मैंने काफी रिसर्च भी की है, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसमें इतने सारे स्लाइड्स जो हैं, दे आर ऑल वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मिसेस शाह, आप ये सारी बातें बैठ के भी कर सकती हैं, सो यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सॉरी। सो मिस्टर कपाड़िया, मेरे हिसाब से एक बिजनेस का सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडियाज एंड फाइनेंस। मेरे पास आइडियाज थे। हमारे पास? ऑफ कोर्स यस, हमारे पास आइडियाज थे, मगर कोई फाइनेंस करने के लिए नहीं था। लेकिन अब आप हमारे साथ हैं, तो हमारे पास फाइनेंस करने के लिए भी कोई है। मैंने अभी तक हाँ कहाँ की है मिसेस शाह? हाँ, मगर आप सुनते ही हाँ कर देंगे, ट्रस्ट मी। कंटिन्यू।
ए मिस्टर गधेड़ा, बड़ा लाइफ में दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, पहली प्यार और दूसरी दूसरी क्या भूल गया, क्योंकि बात जब प्यार की आती है तो दूसरा कुछ याद ही नहीं रहता, बल्कि याद रहना भी नहीं चाहिए। तेरी माँ को सब कुछ मिला है, पति परिवार, बस प्यार नहीं मिला। तुझे मिला है तो उसकी वैल्यू कर। मुझे पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इतना पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है बड़ा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से एक बात कहूंगा कि प्रॉब्लम को प्यार से बड़ा मत होने दे, वरना आगे जाके अफसोस होगा। मैंने एक हिंदी किताब में पढ़ा था, पीड़ा भाग्य से मिलती है, प्यार सौभाग्य से मिलता है। तुझे मिला है तो बेटा दोनों हाथों से उसे पकड़ के रख। एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट के साथ साथ एक गुजराती मेन्यू वाला रेस्टोरेंट भी हम लोग खोलना चाहते हैं। सोया, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग है ना जीके? यस। आप लोगों ने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन इतने कम टाइम में दी, really impressive with facts and figures, huh? Quite detailed, I must say. Thank you. Mr. Shah, आपका business acumen बहुत अच्छा लगा मुझे। Market पे पकड़ भी बहुत अच्छी है आपकी। इस पूरी presentation में आपका years of experience साफ नजर आ रहा था। Thank you so much. कि तुम दोनों जो लोल लोल करते रहते हो वो क्या? हमारे लिए lots of love. तो वो lots of love का मान रख, जिससे प्यार करता है उसे तर्क मत दे बेटा। ये मेरे नानी ने मुझे दिया था, ऑनलाइन चेक किया तो लगभग 3-4 लाख में तो बिक ही जाएगा। 20 लाख में से 3-4 लाख भी चले गए तो मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। इस चांस के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर कपाड़िया, प्लीज लेट अस नो। अब हम चलते हैं। अनुपमा की प्रेजेंटेशन अभी बाकी है। ओह यस, ऑफ कोर्स। बताओ ना अनुपमा। अनुपमा देखो, अगर अब तुमने बताया नहीं तो मैं शायरी सुनाने लगूंगा। ये धमकी हमेशा काम आती है ना जीके? हाँ भाई हाँ, ये तो लोगों को अपनी शायरी से डराता है, कहता है हैंड्स अप, खबर लाओ तो अपनी जगह से ही ले दो। शायरी सुनाऊंगा। कम ऑन अनु, मैं इंतजार कर रहा हूं। 26 सालों से कुछ कहा आपने? No, nothing, man. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।